अति बेटे अति रूपाक दे नाम उत्ते आमीन। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे भैनों अते भराओ, अज 6 जून नूं पाकमा कलिसिया संत नोरबर्ट दी ईद दा दिहाड़ा मनाउंदी है। संत नोरबर्ट जो कि राजघराने तों सन, दा जन्म पिता हैरीबर्ट अते माता हेडविग दे घर 1025 ईस्वी विच होया। 1115 ईस्वी विच इन्हां दे जीवन दे विच एक अजिही घटना वापरी जिसने इन्हां दा पूरा जीवन बदल दिता। जदों एक दिन ये अपने घोड़े ते जा रहे सन तां अचानक आकाश तों एक बिजली डिगी, जिस करके यह अपने घोड़े तों डिग पए। अते उत्थे ही इन्हां ने खुदा वल्लों अपनी बुलाहट स्वीकार की। इन्हां ने एक पुरोहित बनन दा फैसला किया। 35 साल की उम्र विच यह एक पुरोहित बने। जो पदवी इन्हां नूं पुरोहित बनन तो बाद मिली उसका त्याग करके इन्हां ने अपना सारा तन माल गरीबां विच दान दे तौर ते दे दिता। अते फिर यह फ्रांस वल चले गए जिथे इन्हां दी मुलाकात पोप जलासियुस दूसरे नाल होई, जिन्हां ने इन्हां नूं प्रचार करन दा अधिकार दिता। 1121 ईस्वी विच इन्हां पोप कैलिक्सटस अते बिशप बर्थलोमियो दे कहंते एक संस्था की शुरुआत की, जिसका मकसद सिक्ख्या देना अते प्रचार का काम करना सी। कुछ ही सालों विच इन्हां दे संस्था की पुरोहितां की गिनती 1000 हो गई। बाद विच इन्हां ने धर्म भैणां दे लई भी एक संस्था की शुरुआत की। इन्हां नूं अनंतवर्प दे रसूल भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इत्थे बड़े ही जोशीले ढंग दे नाल प्रचार किया। जदों यह मैगडाबर्ग दे आर्च बिशप बने तां इन्होंने इत्थों दे पुरोहितां दे रहन सहन दे विच बहुत सारे सुधार किए, जिस करके इन्हां नूं बहुत वार मौत का सामना भी करना पिया। ये महान संत अपने जीवन दे आखिरी दिनों विच काफ़ी बीमार हो गए, जिस करके 6 जून 1134 ईस्वी विच इन्हां दी मौत हो गई। पोप ग्रेगरी 13वें ने इन्हां नूं 1852 ईस्वी विच संत घोषित किया। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे भैनों अते भराओ, अज जदों असी इस महान संत दी ईद मना रहे हाँ, आओ असी भी अपने जीवन दे विच खुदा दे वल्लों सानू मिली हुई बुलाहट नूं पहचानिए अते जो खुदा ने साडे जीवन दे विच मकसद रख्या है उस मकसद नूं पूरा करदे होए खुदा दे वचन दे अनुसार अपना जीवन गुजार के खुदा दी मर्जी नूं अपने जीवन विच पूरा कर सकीए। आमीन।